हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने एपी के बारे में बात कर रखा है, सारा इंट्रोडक्शन पार्ट हमने सीखा था। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। तो देखो, ये एपी हमारा चल रहा था, एपी, और ये चैप्टर जो था, चैप्टर हमारे पास ये 5 है स्टूडेंट, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का। यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास ये दे रखा है, हमारे पास टेंथ, हमें बताना फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ एन एपी, हमें इसका टेंथ टर्म बताना। जैसे ये पहला टर्म क्या है, ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, वैसे हमें इसका क्या बताना है, टेंथ टर्म बताना है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो मैंने सबको फॉर्मूला बता रखा है स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने फॉर्मूला बता रखा है। एनथ जनरल फॉर्मूला क्या होता है एनथ टर्म फाइंड आउट करने का, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है फॉर एनथ टर्म। ये हमारे पास क्या है, एनथ टर्म है। ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ए क्या है स्टूडेंट, पहले देखो हम ए इक्वल टू लिख लेते हैं। ए हमारे पास कितना है, 2 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अब देखो एन कितना है, एन हमें नहीं पता है, लेकिन हमें बोला है ए 10 फाइंड आउट करने के लिए। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें देखो ए पता चल गया, एन पता चल गया, डी क्या होगा, डी हमारे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो D को कैसे निकालेंगे, A2 टू माइनस ए वन, ठीक है। तो क्या हो गया, 7 माइनस टू, ये कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, तो A 10 जो होगा क्या होगा, A, A हमारे पास कितना है, 2 है, प्लस N कितना है, 10 माइनस वन, और D कितना हमारे पास, 5 है स्टूडेंट, क्लियर। इतनी बात समझ में, तो A 10 जो होगा, 2 प्लस ये कितना हो गया, 9 इंटू 5 हो जाएगा। तो ए 10 जो हमारे पास आएगा, 2 प्लस 45 हो जाएगा। तो 45 प्लस 2 कितना होगा स्टूडेंट, 47 हो जाएगा। तो ए 10 हमारे पास कितना आएगा, 47 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों का समझ में आ गया। देयर फोर टेंथ टर्म ऑफ ए पी इज, लास्ट में लिखते हैं, देयर फोर टेंथ टर्म ऑफ ए पी इज कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या रखा है, डिटरमाइन द एपी। डिटरमाइन एपी का मतलब होता है, मतलब हमें बताना है ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ये हमें एपी बताना है, ठीक है। इफ कंडीशन दे रखा है, ए थर्ड टर्म इज 5 दे रखा है। ए थर्ड टर्म कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। एंड ए सेवंथ टर्म कितना दे रखा है हमारे पास, 9 दे रखा है। तो देखो यहाँ पर ए थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो हमने ए 3 की वैल्यू हमने लिख लिया, क्लियर है स्टूडेंट। तो ए 3 कितना होगा, देखो यहाँ पर ए 3 लिख लेंगे, तो क्या एन की जगह पर 3 पुट करेंगे, तो ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट, क्लियर है। वैसे ए सेवंथ टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 9, मतलब ये वाली आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ पर n की जगह पर क्या है, 7 था, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a प्लस 6d इक्वल टू 9 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, क्लियर है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए और डी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर ए प्लस 2d इक्वल टू 9, ए प्लस ये 5 है स्टूडेंट, 5 है, एंड ए प्लस 6d इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पता है, उनमें हमने 3 मेथड पढ़ रखा है, ठीक है। तो उसमें से एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तुम्हारा ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमारे पास, 4d, ये भी क्या हो गया, माइनस 4 मिल गया। तो d इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 4 बाई 4, माइनस 4, तो d इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया स्टूडेंट, क्लियर है। इतनी बात समझ में आई, d की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, पुट d इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं।
इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए प्लस टू डी इक्वल टू फाइव है, ए तो क्या पुट करेंगे, ए प्लस टू इंटू वन इक्वल टू फाइव, ए प्लस टू इक्वल टू फाइव, ए इक्वल टू कितना हो गया फाइव माइनस टू, ए इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट थ्री आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो हमें बताना है, हमें सीरीज बताना है, सीरीज का मतलब होता है हमें बताना है ए वन ए टू ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, मतलब हमें ए पी बताना है। देखो तो अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, तो हमें नहीं पता है ये पहला टर्म, देखो पहला टर्म क्या होता है ए होता है, दूसरे टर्म को क्या लिखेंगे ए प्लस डी लिखेंगे, तीसरे टर्म को क्या लिखेंगे ए प्लस टू डी लिखेंगे, ए इसको क्या लिखेंगे ए प्लस थ्री डी लिखेंगे। फिर अब देखो ये हमने कैसे लिख लिया, अब देखो ध्यान से कैसे लिख लिया हमने, जैसे ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो देखो एन के जगह पर हमें ए वन निकालना है, तो एन के जगह पर क्या पुट करेंगे वन पुट करेंगे, तो वन पुट करेंगे क्या मिलेगा ए वन मिलेगा ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी, तो हमें क्या मिल गया ए, और ये क्या मिल गया जीरो मिल गया, जीरो इंटू डी तो क्या हो गया ए हो गया, तो ए वन हमारे पास कितना आ गया ए आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एन के जगह पर आप टू पुट करेंगे, तो एन इक्वल टू टू पुट करके देखो तो हमें क्या मिलेगा ए टू, अब देखो एन के जगह पर हम टू पुट करेंगे तो ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, तो क्या मिला हमें ए प्लस डी मिल गया, ठीक है वही हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर एन की वैल्यू अगर हम थ्री पुट करेंगे तो हमें ए थ्री मिल जाएगा स्टूडेंट, देखो तो पुट करके देखते हैं ये ए टू है तो ए थ्री, एन की जगह पर हम क्या पुट करेंगे थ्री पुट करेंगे तो क्या मिला ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट ए प्लस टू डी मिल गया। तो हमने देखो इसकी वैल्यू क्या लिखा है ए थ्री की वैल्यू क्या लिखा है ए प्लस टू डी लिखा है, एन की वैल्यू फोर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें ए फोर मिलेगा, ए फोर कितना हो जाएगा ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी, तो क्या मिल गया ए प्लस थ्री डी मिल गया, यही हमने लिखा है स्टूडेंट ए फोर की वैल्यू। इतनी बात समझ में आए, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि ये बेसिकली वैल्यू आई कैसे है, ठीक है इतनी बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर देखो इसको हटा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि मैंने ये लिखा क्यों है, कैसे लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, तो इसको हम कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो हमें तो पहले यह पता चल गया कि मतलब ये हमने लिखा कैसे, ठीक है। तो ए को ए वन को हम क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं, ए टू को क्या लिख सकते हैं ए प्लस डी लिख सकते हैं, ए थ्री को क्या लिख सकते हैं ए प्लस टू डी, और ए फोर को क्या लिख सकते हैं ए फोर को हम क्या लिख सकते हैं दिस वन, वैसे ए फाइव को क्या लिखेंगे ए प्लस फोर डी लिख देंगे। और ये सब कहाँ से आ रहा है, इस फॉर्मूले से आ रहा है, हम एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे ए वन ए टू ए थ्री निकलता जाएगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट हमें सीरीज बता सकते हैं, देखो हमें ए पता है और डी पता है, तो हम यहाँ पर पुट करके ए वन ए टू ए थ्री बता सकते हैं, तो ए कितना हमारे पास थ्री है, ठीक है, ये कितना है थ्री प्लस डी है, डी कितना हमारे पास वन है, फिर क्या है कॉमा दे देंगे, फिर ए ए थ्री कितना हो जाएगा थ्री प्लस टू टाइम डी हो जाएगा, डी कितना हमारे पास वन है स्टूडेंट, ठीक है, फिर थ्री प्लस थ्री टाइम वन, तो देखो इसको सॉल्व कर लेंगे थ्री फोर, और ये कितना हो जाएगा थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा थ्री प्लस थ्री आपका सिक्स हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये हमारे पास ए पी आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, ये कितना आ रहा थ्री, ये फाइव आ गया सिक्स आ गया, इतनी बात समझ में आई, तो ऐसे तो देखो ये क्या हो गया ए वन हो गया ए टू हो गया ए थ्री हो गया ए फोर हो गया, इतनी बात समझ में आई। तो फाइनली हम लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड ए पी इज देयरफॉर रिक्वायर्ड ए पी इज थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ऐसे नंबर आ जाएंगे, तो ये हमारी रिक्वायर्ड ए पी हो गया। तो मैं यही तो पूछ रखा था रिक्वायर्ड ए पी क्या है, मतलब ये क्या है ए वन है ए टू है ए थ्री है ए फोर है ए फाइव है। अब इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट, तो देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, ये बोल रखा है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, ठीक है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई थ्री। तो सबसे पहले हमें टू डिजिट नंबर बताना है, तो टू डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है स्टूडेंट, टेन से स्टार्ट होता है और डबल नाइन पर एंड होता है, ठीक है। तो इसके बीच में हमारे टू डिजिट नंबर कौन सा आएगा, द टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, ठीक है, डॉट 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 डॉट, इसके देखो 98 आ गया, फिर 97 आ गया, फिर 96 आ गया, फिर 95 आएगा,
ये हमारे टू डिजिट नंबर है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है कि हमें डिविजिबल बाई थ्री चाहिए, ठीक है, हमें डिविजिबल बाई थ्री चाहिए। तो डिविजिबल बाई थ्री के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा डिविजिबल बाई थ्री पहले कौन सा आ रहा है स्टूडेंट। तो डिविजिबल बाई थ्री देखो कौन सा आ रहा है, पहले हमारे पास 12 आ रहा है, ठीक है, फिर कौन सा आएगा आपका 15 आएगा, फिर इसके बाद कौन सा आएगा 18 आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 99 भी क्या होगा डिविजिबल बाई थ्री होगा। तो हम पहले इन नंबरों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या होगा 15 होगा, ठीक है, फिर 18 होगा और लास्ट हमारे पास क्या होगा 99 होगा। ये बोला क्या हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, हाउ मेनी टू डिजिट का मतलब हमें एन बताना है, फाइंड एन करना है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो हमें पता है स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, वेयर ए इक्वल टू कितना है 12 है, ठीक है। अब डी कितना हमारे पास, ठीक है, ए की वैल्यू हमें पता चल गई। अब देखो डी क्या होगा, डी क्या होगा, देखो जैसे ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, तो हमारा डी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो डी कितना होगा, ए टू माइनस ए वन, तो हमारा क्या हो जाएगा 15 माइनस 12, तो ये हमारे पास डी टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, डी टू हमारे पास 3 आ जाएगा, सॉरी डी आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। और ए एन, ए एन हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना दे रखा है 99 है, तो ये ए एन का काम कर रहा, ठीक है, हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और ये हमारा ए एन है, ए एन क्या है हमारे पास, ये रहा, ये हमारे पास क्या है ए है, और डी हमने फाइंड आउट कर ही लिया। तो हम सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 99, ए हमारे पास कितना है 12 है, एन माइनस वन, और डी कितना हमारे पास 3 है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो सॉल्व कर, 99 माइनस 12 और ये एन माइनस वन 3, तो 99 में से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 8 और ये 7 आ जाएगा, 87 आ जाएगा, ठीक है, एन माइनस वन इंटू 3, 87 डिवाइड बाई 3 और ये एन माइनस वन। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कितने टाइम में कैंसिल होगा इसका, ये हो जाएगा 29, ठीक है, ये 29 में आ जाएगा n माइनस वन। तो फाइनली हमारे पास कितना आया, n इक्वल टू कितना हो गया 29 प्लस वन, तो फाइनली हमारे n इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। तो ऐसे कितने टर्म्स होंगे, हाउ मेनी टर्म्स बोला है, ऐसे हमारे पास कितने नंबर होंगे 30 नंबर होंगे, ठीक है, n इक्वल टू कितना हो गया 30 हो गया, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो देयर फॉर 30 डिजिट नंबर बिटवीन डिविजिबल बाई थ्री, तो लास्ट में लिख देंगे देयर फॉर देयर आर 30 डिजिट नंबर, देयर आर 32 डिजिट नंबर्स, ठीक है, 32 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई। तो यहां पर हो गया देयर फॉर देयर आर 32 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई थ्री, इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तो देखो बच्चे ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, हमें बताना चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, यह हम बताना है 30th टर्म ऑफ एन एपी, तो मतलब इस एपी का हमें 30th टर्म बताना है, तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, हमें पता है स्टूडेंट वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो पहले हम सब वैल्यू ए इक्वल टू कितना होगा 10 होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये ए वन होगा, ए टू होगा, ए थ्री होगा, एंड डी निकाल लेंगे, डी कितना होगा ए टू माइनस ए वन हो जाएगा, कितना होगा 7 माइनस 10 मतलब माइनस 3 आ जाएगा, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। और हमें ए 30 टर्म बताना, तो एन ए 30 टर्म बताना है, फाइंड आउट करना है, मतलब एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो ए 30, ए इक्वल टू कितना हमारे पास 10 है प्लस 30 माइनस 1, और डी कितना हमारे पास माइनस 3 है, ठीक है स्टूडेंट। तो 10 30, ये कितना 29 इंटू माइनस 3 हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट। तो 29 माइनस 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 87 आ जाएगा, माइनस 87 आ जाएगा, तो फाइनली हमारे पास कितना माइनस 77 आ गया। तो हमारे पास ए 30 टर्म जो आ गया वो कितना आ गया स्टूडेंट, माइनस 77 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट, इसको भी सेम इसी तरह से करना है स्टूडेंट सॉल्व, देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या देखो 11th टर्म बताना है, ठीक है, तो 11th टर्म बताना है, तो सारी
देखो इसको भी हटा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम ए पता है, ए कितना हमारे पास माइनस थ्री है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहां से हम डी कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट, तो डी हमारा जो होगा देखो ये क्या है, ए वन है, ये ए टू है, ए थ्री है, तो डी हमारे पास क्या होता है, ए टू माइनस ए वन होता है। ए वन माइनस ए टू मत करिएगा, ए टू माइनस ए वन होता है, ए थ्री माइनस ए टू होता है, ऐसे फाइंड आउट करना है, सेकेंड से फर्स्ट माइनस करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ए टू कितना माइनस वन बाई टू, फिर ये माइनस थ्री हो जाएगा, तो कितना होगा स्टूडेंट माइनस वन बाई टू, और ये प्लस थ्री हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा टू, और ये माइनस वन और इसके नीचे क्या वन है, तो डिवाइड करेंगे सिक्स आ जाएगा, तो ये कितना हो गया फाइव बाई टू हो गया। तो ये हमारा डी आ गया स्टूडेंट, तो डी इक्वल टू कितना हो गया फाइव बाई टू हो जाएगा। अब देखो हमें क्या बताना है, ए एलेवेंथ टर्म बताना है, ए एलेवेंथ टर्म बताना है, फाइंड आउट करना है, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी है एलेवन है। तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो देखो हमारा कितना आ जाएगा, तो वी नो दैट ए एलेवन टर्म, ए एलेवन, ए हमें पता है कितना है माइनस थ्री है, ठीक है। अब एन कितना हमारे पास एलेवन है माइनस वन, और डी कितना है स्टूडेंट फाइव बाई टू है, फाइव बाई टू। अब यह हो जाएगा ए एलेवन इक्वल टू माइनस थ्री, अब ये कितना हो जाएगा टेन, ठीक है, एंड फाइव बाई टू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट ए एलेवन जो होगा ये कितने टाइम में जाएगा फाइव टाइम में, तो माइनस थ्री, और ये कितना फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव हो जाएगा। ए एलेवन इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर ट्वेंटी टू आ जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है इतनी बात से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों इसमें हमें मिसिंग टर्म बताना है, ये बोला गया इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ एन इन बॉक्स, तो बॉक्स को हमें फिल करना, बेसिकली हमें डब्बे को फिल करना है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, और ये सब क्या है एपी में है, ये भी एपी में है, ये भी एपी में, सब एपी में है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट ये क्या है हमारे पास ए वन है, ये ए टू है, और ये ए थ्री है। तो हमने आपको बताया स्टूडेंट, तो ये क्या होगा देखो, इसको अगर हम लिखते हैं ऐसे, तो ए वन, ए वन इक्वल टू क्या है टू है, ए टू इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो ए वन को हम क्या लिख सकते हैं ए, ए टू को क्या लिख सकते हैं ए प्लस डी लिख सकते हैं, ए थ्री को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट ए प्लस टू डी, अभी हमने लिख के बताया था आपको, ठीक है। तो हमारे पास जो एपी में होगा, तो हमने अभी बताया था फॉर्मूले से ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, अगर मान लो एपी में होता है तो पहले टर्म को ए लिखते हैं, दूसरे को क्या लिखेंगे ए प्लस डी लिखेंगे, तीसरे को क्या लिखेंगे ए प्लस टू डी लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे ए प्लस थ्री डी लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे ए प्लस फोर डी लिखेंगे, और nth टर्म को क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये कैसे फाइंड आउट किया, ये सब कैसे फाइंड आउट किया हमने, इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट किया, n की वैल्यू पुट करते जाओ, जैसे ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन की वैल्यू अगर ए टू ए थ्री निकालना है तो एन की जगह पर क्या पुट करोगे थ्री पुट करोगे, ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, तो क्या मिलेगा ए प्लस टू डी मिल गया, यही हमारे पास ए थ्री की वैल्यू, क्लियर है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, जिन मैंने इसीलिए बता दिया, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो यहाँ से समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो पहला टर्म कितना दे रखा है टू दे रखा है, क्योंकि ए की वैल्यू टू दे रखी है, मिसिंग वैल्यू ने हमें नहीं पता है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास ट्वेंटी सिक्स दे रखी है, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो हमने यहाँ पे ये देखा तो ए इक्वल टू टू दे रखा है, ए प्लस टू डी इक्वल टू कितना दे रखा है 26 दे रखा है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते हम, सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो, इसको ए को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी इक्वल टू 26 है, तो हम क्या करेंगे ए की वैल्यू टू पुट कर लो, टू डी इक्वल टू 26, तो टू डी इक्वल टू कितना हो गया 26 माइनस टू, तो टू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये, इसको इससे इसको माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा स्टूडेंट, तो d इक्वल टू कितना आ गया 24 बाय 2, तो d इक्वल टू 12 आ जाएगा, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो हमें a2 बताना है, और a2 कितना है स्टूडेंट देखो, a2 कितना हमारे पास a प्लस डी है, तो देखो हमें a की भी वैल्यू पता है, a की वैल्यू कितनी है 2 है, और d की भी वैल्यू पता चल गई कितना हो गया 12 हो गया, तो ये कितना आ गया 14 आ गया, तो फाइनली हमारे पास a2 जो आ गया वो कितना आ गया स्टूडेंट 14 आ गया। तो हम इस डब्बे में क्या फिल कर लेंगे स्टूडेंट 14 पुट कर लेंगे, क्यों हमारे पास ये तो ए वन, ये क्या था हमारे पास ए वन था, ए टू था, ए थ्री था, तो ए वन ए थ्री तो पता था बट ए टू की वैल्यू हमें नहीं पता था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो कितना हो गया 14, तो ये मिसिंग वैल्यू क्या होगी 14 होगी,
इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट फिल इन मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सेकंड वाले में हमारे पास दो मिसिंग वैल्यू है स्टूडेंट, मतलब दो बॉक्स को फिल करना है। तो देखो सब एपी में है, इसका मतलब ये क्या होगा, A1 होगा, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4 बोलेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, A1, A2, A3, A4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A1 को क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, A2 को क्या लिखेंगे, A+D लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे, A+2D लिखेंगे, इसको A+3D लिख देंगे, और A4 दे रखा है स्टूडेंट। देखो A2 दे रखा है, A2 दे रखा है कितना हमारे पास, ये हमारे पास 13 दे रखा है, ठीक है, इतनी बात समझ। और A4 दे रखा है, A4 हमारे पास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो यहाँ से हमारे दो इक्वेशन मिल जाएगी, A+D जो होगा वो कितना होगा, 13 होगा, इसको पहली इक्वेशन मानेंगे, और A+3D जो होगा वो कितना हमारे पास, 3 है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D निकाल सकते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, वी विल गेट A एंड D। तो देखो यहाँ पर, और इसको सॉल्व करने का तरीका पता है स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो, क्या बचा यहाँ पर, -2D बचा, ये कितना बचा, 10 बचा, तो D इक्वल टू कितना आ गया, 10/-2, तो D इक्वल टू कितना आ गया, -5 आ गया, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, D हमें पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है, A पता करना है, तो A कितना हो जाएगा, देखो पुट D इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1, तो 1 में पुट, किसी में भी पुट कर सकते हैं, 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, A+D इक्वल टू कितना है, 13 है, पहली इक्वेशन क्या थी, यही थी, तो A की वैल्यू पुट, D की वैल्यू पुट करो, तो A D की वैल्यू कितनी है, -5 है, इक्वल टू 13, ये हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13+5, तो फाइनली वी विल गेट 18 आ गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 18 आ गई, तो मतलब ये जो आ गया हमारे पास 18 आ गया, तो पहला बॉक्स तो फिल कर लिया, तो पहला कितना हो गया, 18 आ गया, क्लियर है? अब हमें D की वैल्यू बतानी है जिससे हम A3 बता सके, तो D के लिए हमें क्या काम, देखो D भी हमें पता चल गया है, ठीक है, तो हमें देखो A3 बताना है, देखो ये जो खाली बॉक्स है वो कितना है, A3 है, तो A3 हमारे पास क्या है, ये है स्टूडेंट, ठीक है, A3 के लिए हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो A3 इक्वल टू कितना है हमारे पास, A+2D है, तो देखो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 18 है, +2D कितना हमने निकाला है, कितना है, -5 है, -5 पुट कर लिया, तो 18 इक्वल टू कितना हो गया, -10 हो जाएगा, मतलब 8 हो गया, तो A3 हमारे पास फाइनली कितना आ गया, 8 आ गया, तो इस वाले डब्बे में क्या फिल करेंगे स्टूडेंट, 8 फिल करेंगे, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे इसको फिल करना है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कैसे कैलकुलेट किया स्टूडेंट मैंने। तो देखो अब नेक्स्ट करते हैं, तो देखो स्टूडेंट हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे, ये हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे, तो यह देखो ये क्या दे रखा है, A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है, तो देखो यहाँ पर A1, A2, A3, A4, तो A1 को क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, A2 को क्या लिखेंगे, A+D लिखेंगे, A3 को क्या लिखेंगे, A+2D लिखेंगे, A इसको कितना लिखे, A+3D लिख देंगे, ठीक है, A4 को क्या लिखेंगे, A+3D लिखेंगे, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो A हमारे पास गिवन है, A कितना हमारे पास, 5 है, ये कितना हमारे पास, 5 है, क्लियर है? A+2D हमें नहीं पता है, इसको फाइंड आउट करना, A+3D हमें पता है वो कितना, 9.5 दे रखा है, तो 9.5 का मतलब क्या है होगा स्टूडेंट, 9.5 का मतलब इसको मल्टीप्लाई 19/2 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 × 2 = 18, 18+1 = 19, 19/2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास A+3D आ गया। तो यहाँ पे देखो सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास A इक्वल टू कितना हमारे पास, 5 है, ठीक है, A+3D कितना हमारे पास, 19/2 है, तो ये दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा D आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखो A की वैल्यू इसमें पुट करो, 5, 3D, 19/2, तो फाइनली हमारे क्या आएगा, 3D, 19/2 - 5, तो कितना आ जाएगा, 3D, LCM ले लेंगे 2, ये 19, और ये कितना आ जाएगा, ÷1 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 देगा, ये 10 आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट? तो 3D इक्वल टू कितना आ गया, 9/2 आ गया, तो D इक्वल टू कितना हो गया, 9/2, और ये डिनोमिनेटर में चला आएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसको काटो, ये तुम्हारा 3 टाइम है, तो फाइनली D की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो हमें क्या बताना है, A2 बताना है, ठीक है, तो A2 हम क्या कैसे बताएंगे, A2 इक्वल टू कितना है, A+D है, A हमने निकाल रखा है स्टूडेंट, A हमारे पास कितना है, 5 है, ठीक है,
और डी कितना हमारे पास 3/2 है, तो इनको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, इसके नीचे क्या है 1 है, तो इसको इससे डिवाइड किया 2 मिला, 2 × 10 आ जाएगा और ये 3 हो गया, तो कितना है 13/2 आ जाएगा। तो मतलब ए2 जो हमारे पास आ गया वो 13/2 आएगा। तो यहाँ पे देखो ए2 की वैल्यू क्या फिल कर देंगे, 13/2 यहाँ पर फिल कर देंगे। इतनी बात समझ में आई, ए2 ही तो फिल करना था, अब देखो ए3 को भी फिल करना था। ए3 इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, देखो ए3 कितना है हमारे पास, ए3 है ए प्लस 2d है, तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है प्लस 2, डी कितना हमारे पास, डी हमारे पास कितना स्टूडेंट 3/2 है, 3/2। अब देखो इसको देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 5 प्लस 3 मिला, तो ये कितना मिल गया 8 मिल गया स्टूडेंट, क्लियर है आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया। तो ए3 इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, तो यहाँ पर क्या फिल कर देंगे 8 फिल कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, तो हमने ये भी मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट, तो देखो बच्चे इसमें 4 मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें, तो ये कितना हमारे पास a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है एंड a6 है, इसमें 4 मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। देखो a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6, ठीक है, तो a1 को क्या लिखेंगे a, इसको क्या लिखेंगे a प्लस d लिख देंगे, इसको a प्लस 2d, इसको a प्लस 3d, इसको ए फाइव को क्या लिखेंगे ए प्लस 4d लिख देंगे और इसको ए प्लस 5d लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या क्या दे रखा है, पहला टर्म दे रखा है मतलब ए वन दे रखा है, ए वन कितना हमारे पास 4 है, क्लियर है, ये हमें नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, बाकी ये सारे हमें फाइंड आउट करने हैं। हमें ये दे रखा है कितना दे रखा है स्टूडेंट 6 दे रखा है, ए सिक्स कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन मिल जाएगी, ए इक्वल टू कितना है 4 है, ये हमारी पहली इक्वेशन मिल गई, ए प्लस 5d कितना है हमारे पास 6 है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट a एंड d, तो हम सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेंगे, तो क्या काम करेंगे a की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, तो क्या मिलेगा देखो a प्लस 5d इक्वल टू हमारे पास 6 है, ठीक है, तो a की वैल्यू 4 पुट करो 5d इक्वल टू 6, तो 5d इक्वल टू जो हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू हमारे पास ये हमारा आ जाएगा। देखो स्टूडेंट यहाँ पर जो वैल्यू है माइनस 4 है स्टूडेंट, क्लियर है, यहाँ पर देखो ये क्या है माइनस 4 है कि नहीं है, तो माइनस 4 हमारा ए ए कितना होगा माइनस 4 है, ठीक है, ये ध्यान देना, छोटी सी मिस्टेक क्वेश्चन गलत हो सकता है, ये माइनस 4 है स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 4 हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 5d इक्वल टू कितना हो गया 10, तो d इक्वल टू कितना हो गया 10/5, तो d इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 2 आ गया, ठीक है, तो हमें a पता चल गया d पता चल गया, तो बाकी सब हम वैल्यू बता सकते हैं। तो देखो पहले हम a2 बताएंगे, a2 कितना होगा, तो a2 के लिए हमें क्या काम करना होगा, a2 इक्वल टू कितना होगा a प्लस d होगा स्टूडेंट, तो a हमारे पास कितना था माइनस 4 था और d कितना है 2 है, तो a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में, तो a2 में क्या फिल करेंगे माइनस 2 फिल करेंगे, फिर हम क्या बताएंगे a3, a3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो a3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो a हमारे पास कितना था माइनस 4, 2 और d कितना हमारे पास, d कितना हमारे पास 2 है, ये कितना हो गया माइनस 4 प्लस 4 ये आ गया 0, तो हमारे पास a3 कितना आ गया स्टूडेंट a3 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, फिर a4 हम निकाल लेंगे a4, ठीक है a4 निकाल लेते, a4 इक्वल टू कितना हमारे पास a प्लस 3d है, a प्लस 3d, तो a हमारे पास कितना है स्टूडेंट माइनस 4 है 3, और d हमारे पास कितना आया, d हमारे पास 2 है, 2 पुट कर लेंगे तो क्या आएगा माइनस 4 प्लस 6 हो जाएगा, ये कितना मिलेगा 2 मिलेगा, तो a4 कितना आ गया स्टूडेंट 2 आ गया, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे a5, a5 a5 कितना हमारे पास a प्लस 4d, a प्लस 4d, a हमारे पास कितना है माइनस 4 है 4, और 2 d कितना हमारे पास 2 है, तो कितना हो गया माइनस 4 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 आ गया, तो a5 कितना आ गया स्टूडेंट 4 आ गया, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे 4 पुट करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, तो हमने मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है, तो आई थिंक अब नेक्स्ट वाला लास्ट वाला कर लेते हैं। तो देखो बच्चों ये फिफ्थ वाला लास्ट वाला कर लेते हैं अब हम, ये देखो पहला ए1 है, ए2 है, ए3 है, ए4 है, ए5 एंड ए6 दे रखा है, इसमें भी 4 मिसिंग वैल्यू है,
यहाँ पे देखो A1 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट, A लिखेंगे, A को क्या, A2 को क्या लिखेंगे, A+D लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे A+2D लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे A+3D लिखेंगे, इसको A+4D और इसको हम क्या लिख लेंगे A+5D लिख लेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो हमें देखो ये दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास कितना है 38 है, A+D इक्वल टू कितना है 38, इसको हम पहले इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। और ये दे रखा है A6 टर्म दे रखा है, कितना दे रखा है -22 दे रखा है, तो -22 तो क्या लिखेंगे A+5D इक्वल टू -22 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट A and D। तो अब देखो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट, तो अब क्या काम करेंगे, इसको कैंसिल हो जाएगा, देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा स्टूडेंट, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, इतनी बात समझ में आए। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या देगा 4D देगा, और ये कितना देगा स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा, देखो इसको ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो आप देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा -4D इक्वल टू 60, तो D इक्वल टू कितना आ गया 60 डिवाइड बाई -4, तो D इक्वल टू -15 आ जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है, ये -15। तो D की भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, तो A की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या काम करना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे कर लेते हैं, तो हम क्या करना है, D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करो, पुट यहाँ पे क्या काम कर लेंगे, पुट D इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कौन सी फर्स्ट इक्वेशन है, A+D इक्वल टू कितना है 38 है, तो D की वैल्यू कितनी है -15 इक्वल टू 38, तो क्या हो जाएगा A इक्वल टू 38+15, तो A हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट, A देखो इसको ऐड करेंगे तो 53 आ जाएगा, ठीक है, A की वैल्यू हमें पता चल गया 53 पता चल गया। तो हमने देखो A तो हमने बता दिया, A हमारे पास कितना हो गया स्टूडेंट 53 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या फिल कर लेंगे 53 पुट कर लेंगे, ठीक है, पहला तो हमने फाइंड आउट कर लिया, A भी पता चल गया, D भी पता चल गया। अब क्या पता करना हमें, A3 पता करना है, तो A3 के लिए हमें क्या काम करना होगा, इसको फिल करना होगा, ठीक है, क्योंकि A2 तो हमें पता ही है, तो देखो A3 के लिए हमें क्या काम करना होगा, A3 इक्वल टू कितना है A+2D है, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, A हमारे पास कितना है 53 है, तो D कितना हमारे पास, D हमारे पास -15 है, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 53-30, ये कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा स्टूडेंट, तो A3 हमारे पास कितना आ गया 23 आ गया, तो यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे 23 पुट कर लेंगे, ठीक है 23 पुट कर लेंगे। फिर हम देखो यहाँ पर A4 के बारे में बात करेंगे, A4 कितना हमारे पास स्टूडेंट, A4 कितना हमारे पास A+3D है, A+3D है, तो A हमारे पास कितना है 53 और D कितना है -15, तो कितना हो जाएगा 53-45 हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अगर मान लो 45 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है। तो A4 हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो A4 हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट 8 आ गया। अब देखो A5 के बारे में बात करेंगे, तो A4 की जगह पर क्या पुट कर लेंगे 8 पुट कर लेंगे, क्लियर है स्टूडेंट। अब हम A5 के बारे में बात करेंगे, A5 इक्वल टू कितना हमारे पास, देखो यहाँ पर ये कितना हमारे पास A+4D, A हमारे पास कितना है स्टूडेंट, A हमारे पास 53 है, 4D कितना है -15 है, ये कितना आ जाएगा 53-60 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा -7 मिल गया। A5 जो आ गया स्टूडेंट वो हमारा -7 आ गया, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे -7 पुट कर लेंगे, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सारी मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है स्टूडेंट, तो आप भी इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बनते जाएंगे स्टूडेंट, क्लियर है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच गए हैं आपकी बुक के उसको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ओके थैंक यू।